हेलो भाई, छोटे भाई बहन, कैसे हो? मस्त सभी। अभी मैंने रिसेंट कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने स्टूडेंट को कमाने के तरीके बताए थे। उसमें एक तरीका मैंने कहा था कि आपके पास अगर अपने नोट्स हैं तो उन नोट्स को आप बेच के पैसे कमा सकते हो। और ऐसा नहीं कि नोट्स को आप एक बार बेचोगे और एक बार में पैसे कमाओगे, एक नोट्स को कई कई बार बेच सकते हो, क्योंकि वो आप PDF बन जाएगा उसकी फ़ोटो लेकर। तो चलिए दोस्तों, आज बताने वाले हैं वो तरीका पूरी डिटेल में, कैसे आप कमा सकते हो और एक नोट्स के आपको मिल सकते हैं 800 से 1000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम 800 हैं, इसलिए मैंने 800 लिखा हुआ, यानी कि $10। और ये इंडियन स्टूडेंट भी खरीदते हैं, फॉरेन के भी खरीदते हैं, क्योंकि ये जिन वेबसाइट की मैंने बताया, आज मैं किसी एक वेबसाइट के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा, मेरा अप्रूव भी हो चुका है कैसे करना है। बहुत सारे लोग ये काम कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग का अप्रूव नहीं आता हो, अप्रूवमेंट नहीं मिलता हो, तो उसके लिए कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देख लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप एक स्टूडेंट हो, मेरे छोटे भाई बहन हो, कमाना चाहते हो, नोट्स की मैं बात करूं, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई भी हो, अपने लैंग्वेज में है, कंप्यूटर के प्रिंट आउट हैं, लेकिन उस पर किसी इंस्टीट्यूट का लोगो ना हो, किसी कंपनी का नाम ना हो, पता लगे आप किसी का नोट्स, किसी टीचर का या किसी इंस्टीट्यूट वाले का नोट्स उठा के उसे अपलोड कर रहे हो और कह रहे हो सर जी पैसे नहीं मिले। नहीं भाई, नोट्स आपका होना चाहिए। अगर वो कंप्यूटर में टाइपिंग किया हुआ है तो उस पेज पे टाइपिंग के अलावा कोई भी प्रिंटिंग ना हो, कोई साइन ना हो, कोई टीचर के से चेक वगैरह किया हुआ नहीं होना चाहिए कॉपी, ये चीज़ याद रखें। सीक्वेंस में होना चाहिए, कुछ चीज़ें और है जो मैं भी बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज कैसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो नोट्स वगैरह सेल करके। तो आज आपको 10 वेबसाइट्स तो बताऊँगा ही, आप एक एक करके बताते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा अप्रूवल है, देख सकते हो, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स टू अर्न अप टू $10 पर डॉक्यूमेंट, यानी कि व्यूड। देखो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, खरीदने के पैसे नहीं है, जो भी यहाँ पे देखता है उसको $10 पे करने पड़ते हैं। तो सोच सकते हो यहाँ पर आपको मिलेंगे, दो तरीक़ों से अर्निंग होती है, जो खरीदते हैं वो भी, और जो यहाँ पर व्यू करते हैं यानी कि देखते हैं उसके भी पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर मेम्बरशिप लेनी होती है। लेकिन आपको मेम्बरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगा, इसलिए वीडियो को देख लें। इस वीडियो की डिमांड आई थी कमेंट बॉक्स में, कहा था सर इस पर डिटेल वीडियो बना दो। एक स्टूडेंट ने यही पूछा कि क्या इनमें अकाउंट बनाने के लिए हमें कोई मेम्बरशिप लेनी पड़ती है? मैं कहूँगा कतई नहीं, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बनाया है, आपको जाके अप्लाई कर देना स्टडी पूल से, हो सके तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप गूगल से आके सर्च कर लो, जीमेल से अपने आप यहाँ पर साइन अप कर लो। दो तरीक़ों से इस साइट से कमा सकते हो। नंबर वन साइट पे मैंने ये लिया, एक तो सेल डॉक्यूमेंट्स, एक बिकम ट्यूटर, अगर आप यहाँ पढ़ा सकते हो बच्चों को तो ट्यूटर भी बन सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे नोट सेल करके कमाओगे। अब देख सकते हैं कैसे, यहाँ पे आपने जैसे ही अपने देखो मेरे दो डॉक्यूमेंट देखो, दो डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं आपके सामने, डिक्लाइन कोई नहीं है, यानी कि मना कोई नहीं हुआ, देख सकते हो। अब नीचे देखो, ये मेरे दो डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड लिखे हुए आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो आपको दोस्तों यहाँ पर विद इन 48 आवर्स, कभी कभी 24 आवर, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर उसका अप्रूवल में टाइम लगता है, क्योंकि जो टीम है वो उसे वॉच करती है, रिव्यू देती है, उसके बाद वो अप्रूव हो जाता है तो समझ लीजिए वो डल गया। अब आप वो अगर वहाँ पर विजिट आते हैं तो आपको उसकी अर्निंग हो सकती है। ठीक है, ये देखो मैंने इस पर क्लिक किया तो अभी ये नोट्स अप्रूव्ड हो चुके हैं। मैं व्यू पर क्लिक करूँगा तो व्यू ऑल पर जाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो ये मेरे नोट्स, यहाँ पे आपको टोटल नोट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है जी, मैंने व्यू पे क्लिक किया तो ये नोट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये देखो ये नोट्स है सारे, और ये ऑटोमेटिकली अपने नोट्स हैं मेरे, ये देख सकते हो सारे के सारे नोट्स मैंने यहाँ पर अपलोड किए हैं। आपने एक चीज़ देखी, अभी नोट्स पे डाउनलोड, देखो मैं डाउनलोड पे जाऊँगा डॉक्यूमेंट पे, तो ये अनलॉक हो चुके हैं, तो जो इन्हें अप्लाई करेगा वो इनकी पेमेंट करेगा जो आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको कैसे करना है चलो मैं आपको वो समझाता हूँ। देख लीजिए इस तरह का इंटरफेस आएगा जब आप अप्लाई करोगे, यहाँ पे जाओगे ऊपर सेल डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पर आपको देख सकते हो नीचे लिखा हुआ भी है अपलोड आपको करना है, अप्रूवल आपको मिलेगा, उसके बाद आप व्यू बाय स्टूडेंट्स, और यहाँ पर अर्न मनी आप यहाँ पर कर सकते हो। कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं, देखो ये इस तरह के नोट्स होते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर इन्होंने लिखी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपको जान लेनी जब आप यहाँ पर अपलोड करो। जेन्युइन वेबसाइट है 100%, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं साइनअप पे क्लिक करता हूँ, साइनअप आप गूगल से यहाँ पे कर लेते हैं, तो मैंने गूगल से साइनअप कर लिया है, ये लीजिए आपके सामने। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे किया,
और ये ले रहा है कपल ऑफ सेकंड आई थिंक। चलिए ओके, अब यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई है कि आप इनके टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करते हो। आई एग्री पे क्लिक किया, अब यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई है। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, ओके जी मैंने यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये यूज़र नेम की बात कर रहा है, तो यूज़र नेम में मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने। अब स्कूल, यहाँ पे आपको अपना स्कूल लिखना होगा, तो मैं अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ जिससे मैंने पढ़ाई की, और मैंने अपलोड कर दिया। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, उसको समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया और ये देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं। नेक्स्ट पे किया, देखो पूरा समझाया हुआ उन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे अकाउंट आपने बना लिया, अपलोड आप कर दोगे, अपलोड का ऑप्शन सिंपल सा आपको मिल जाता है। ठीक है, पोस्ट ए क्वेश्चन, कनेक्ट विद ए ट्यूटर यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, ये आ गया 3 स्टेप। डन पे मैंने क्लिक किया, डन। ओके, अब ये आपके सामने आ गया। अब आप यहाँ पे जाओगे, देखो सेल डॉक्यूमेंट्स पे अगर आप जाओगे, आपका अकाउंट बन चुका है, मैं सेल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। कुछ टर्म कंडीशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान से समझ लीजिए कि क्या क्या यहाँ पे आपको देखना है। ये देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे देखो, जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको अपलोड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अपलोड मोर फाइल पे जाओगे तो कोई भी PDF है यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई PDF फाइल में यहाँ पे देखता हूँ, मुझे मिल जानी चाहिए। हम थोड़ा नीचे आते हैं, ये वाली PDF है, मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया, मैंने इसको अंडरस्टैंड किया, कंटिन्यू किया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है फाइल अपलोड हो रही है, सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है आपके सामने दोस्तों। यस, अब देख लो आ चुकी है। अब ये अप्रूव के लिए भी पेंडिंग में है, टाइम लेगी अप्रूव के लिए। कुछ चीज़ें ध्यान से समझ लीजिए, बहुत सारी वेबसाइट बताने वाला हूँ, इन पर आप अपलोड करें। 5 चीज़ें याद रखें। नंबर एक, नोट्स जो हैं वो कॉपी ना हो किसी के, आपके अपनी लैंग्वेज में हो या कंप्यूटर टाइपिंग में हो। नंबर दो, सीक्वेंस में हो, यानी कि ऐसा ना हो कि 8वें पेज के बाद 15वां पेज आ रहा है, फिर 13वां पेज आ रहा है, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। नंबर तीन, प्रिंट ऐसा हो जो समझ में आए, क्योंकि आप ठीक है ये चीज़ याद रखें। नंबर चार, वो PDF बना लो उसकी, बहुत सारे ऐप्स आते हैं PDF मेकिंग। तो आपको करना क्या है, जो आपके नोट्स मान लीजिए कॉपी में है आपकी, तो आपको उसकी फ़ोटो लेनी है और फ़ोटो लेते रहे अपने मोबाइल में, और जब वो सारी फ़ोटोज़ आ जाएँ तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से ले लो PDF मेकर, या फिर आप गूगल पे चले जाओ PDF मेकर, तो उन फ़ोटोज़ को आप सेलेक्ट करोगे, वो PDF बन जाएंगी, फिर उसका आप अपलोड कर दो। एंड नंबर फाइव, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि आप यहाँ पे एक क्लास के ही सब्जेक्ट्स डालेंगे, एक ही सब्जेक्ट्स के नोट्स डालिए, और मल्टीपल भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिए, और जो कंटेंट हो, मेन इंपॉर्टेंट बात, वो पूरा होना चाहिए नोट्स में। ऐसा नहीं है कि नोट्स आधे हैं, मान लीजिए आपने कोई चीज़ जब प्रोवाइड कराई है उसके आधे पेज हैं, आधे गायब हैं, तो उसमें आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ पे डिक्लाइन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सारी बातें यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, पूरा आप पढ़ लीजिए, देख सकते हो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई भी हैं। हाई क्वालिटी हो, एड डॉक्यूमेंट डिटेल, मीनिंगफुल होना चाहिए, बैड टाइटल ना हो, डुप्लीकेट कॉन्टेंट ना हो, कॉपी राइटिंग ना हो, ये देखो सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं क्या क्या होना चाहिए। तो आपको बस यहाँ पे अकाउंट बना लेना है। अगर आप अर्निंग की बात करें तो यहाँ पे जब मैं जाता हूँ मेन्यू वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो माई बैलेंस का एक ऑप्शन आता है, माई बैलेंस पे आप क्लिक करेंगे तो जो अर्निंग होती है वो यहाँ पे आपको बैलेंस में दिखेगी और सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये देख सकते हो यहाँ पे आपका बैलेंस वगैरह शो हो जाता है जो आपकी अर्निंग होगी। अब मैं विड्रॉ मनी पे जाता हूँ, तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि विड्रॉ के आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं, बैंक ट्रांसफ़र भी है, पेपल भी है, पायनूर भी है, एम पैसा भी है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप यहीं से अलाउ करें कर सकते हैं। सेकंड वेबसाइट आती है नोट्स गेन। दोस्तों नोट्स गेन भी काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, इस पर आप देख सकते हैं कितनी सारी कंपनीज जुड़ी हुई हैं और स्टडी मटेरियल बहुत कुछ है। यहाँ पे जो लोग पढ़ाते हैं वो आप जैसे ही हैं स्टूडेंट। देखो कोई यहाँ पे मिनिमम 10-10 रुपीज़ में नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, कोई 50 रुपये ले रहा है, कोई यहाँ पे 2000 रुपये ले रहे हैं, MBA के तैयारी कराते हैं, ये है BSc की जियोलॉजी पढ़ाते हैं, तो ये यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं जो लोग ट्यूटर बनना चाहते हैं। साथ में जो लोग यहाँ पे स्टडी मटेरियल सोल्ड करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा आपका। ये देखिए यहाँ पे आप सब कुछ दे रखा है इन्होंने, ये तो है ख़रीदना कैसे है नोट्स, बहुत सारे लोग खरीदते हैं नोट्स, इससे सबसे पॉपुलर वेबसाइट है इंडिया की, नहीं पूरे वर्ल्ड की, इंडिया में ज़्यादा चलती है। ये देखो हाउ टू सेल कॉन्टेंट ऑन नोट्स स्कैन, क्रिएट स्कैन कॉन्टेंट, जो आपने बनाया उसको स्कैन करें, अपलोड करें, स्टार्ट अर्निंग,
और अपलोड यहाँ पे आपका पूरे सीक्वेंस में, तो सेम वही काम है जो वहाँ पे है। ठीक है, अब बात करते हैं और कौन कौन सी वेबसाइट है। तो पहले नंबर पर थी स्टडी पूल, एंड द सेकंड वन इज नोट्स गेन वेबसाइट, थर्ड नंबर पे आती है nexusnotes.com, फोर्थ पे आती है काफ़ी पॉपुलर कोर्स हीरो, जो ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ पे आप अपने नोट्स वगैरह सेल करके कमा सकते हैं। नेक्स्ट आती है notesexchange.com, नेक्स्ट आती है दोस्तों docmerit.com, एक आती है notesmate.com, ये काफ़ी पॉपुलर है, कुछ इंडियन है कुछ फॉरेन की है, oneclass.com, stuvia.com और xbridge.notes, ये वेबसाइट्स हैं। तो इनमें से आपको जो लगे, मैं स्टार्टिंग में कहूँगा ये जो शुरू की पांच है इनमें तो अप्लाई ज़रूर से करें, ठीक है। और अगर आप एक ही नोट्स को सभी वेबसाइट्स पे भी डाल दोगे तब भी ओके रहेगा। आपके लिए वीडियो बनाई है काफ़ी मेहनत से, लाइक ज़रूर से करें, शेयर करें, सपोर्ट करें अपने भाई को, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। जय हिंद।